झारखंड हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई करते हुए कड़ी मौखिक टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री के निजी सहायक कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या हमारे नागरिक अपनी जगह और जमीन बेचकर अपना इलाज कराएं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उस पीड़ित को पैसे देकर मदद करता। ब्लैक फंगस से पीड़ित उषा देवी के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि पीड़ित महिला के इलाज की क्या व्यवस्था की गई। रिम्स डायरेक्टर से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी दे सकते हैं कि ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीज बाहर से दवा नहीं खरीद रहे। रिम्स डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि दवाइयों की सप्लाई पूरी नहीं है, इसलिए हम शपथ पत्र दायर नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि रिम्स में ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज इलाजरत हैं उनके लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है तो इसे निपटने के लिए क्या पॉलिसी है और सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी जाए। अदालत ने झालसा को भी शपथ पत्र दायर कर यह बताने को कहा कि ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों के लिए झालसा क्या कर रहा है। अदालत ने रिम्स निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अदालत को पत्र लिखने वाले परिजन के मरीज और अन्य मरीजों को प्रताड़ित न किया जाए, इसका ख्याल रखा जाए। गौरतलब है, पिछले दिनों अस्पताल की दहलीज पर बैठे एक मां के दो बच्चे अपनी मां के बेहतर इलाज के लिए सरकार से मदद की मांग करते हुए इच्छा मृत्यु तक की मांग करते हुए रिम्स के बाहर धरने पर बैठे थे, पर सरकार द्वारा मदद की मांग ठुकराए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में आज इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। हम गिरिडीह टाउन से आए हुए हैं और मेरी मम्मी को ब्लैक फंगस हो गया और 17 मई को यहाँ पे एडमिट कराए हुए थे और 48 घंटे लेट हो चुका था पहले ही। उस समय यहाँ पर दवाई नहीं था, उसके बाद फिर इलाज में लेट होने के बाद भी सही ढंग से इलाज हुआ नहीं। पहले ये कि MRI के लिए बोले थे सर को तो MRI नहीं लिख रहे थे, बाद में जब हंगामा किए थे तो MRI लिखे, उसके बाद जब पता चला कि इतना फंगस फैल चुका। बार बार यहाँ पे बाहर ले जाओ करके हम लोगों को हॉस्पिटल से निकालने में लगे हैं। डॉक्टर अंसारी सर भी बोले थे 15 दिनों से वो बोल रहे हैं और आज डॉक्टर विनोद सर आए थे, वो भी बोले कि अहमदाबाद ले जाओ या तो केरला ले जाओ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाहर ले जाएं मम्मी को, इसलिए मम्मी के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं या तो फिर सर झारखंड सरकार से मांग रहे हैं कि मेरी मम्मी का बेहतर इलाज करें। भाई से हो गया, बता दो कि क्या क्या बढ़ गया, आँख से दिखता नहीं है, ये है वो है। एक आँख खराब हो चुका है सर और फिर शुगर लेवल बढ़ गया था पहले, अब ठीक है लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं बार बार। एक नाक भी खराब हो गया, आधा नाक, लंग्स भी खराब हो गया और लंग्स में बीमारी, अभी लंग्स लेकिन ठीक है। आपको बता दें, गिरिडीह निवासी उषा देवी को ब्लैक फंगस है और पिछले 1.5 महीने से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। ब्लैक फंगस के मामले में एक महिला संक्रमित है, उसको रिम्स में भर्ती है और उसके मैटर में उसके लड़के ने एक आवेदन दिया था, पत्र दिया था माननीय मुख्य न्यायाधीश को, उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुबह मोटो प्रोसीडिंग आज रखा गया था। पहले दिन में पहला तारीख था आज और पहला केस भी था, तो इसको सुनने के बाद जो लड़की का जो आवेदन था उसमें ये कही गई थी बात कि हमारी इलाज तरीके से ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, दवाएं हमको बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं, हमको एयरलिफ्ट कराया जाए और हमको तमिलनाडु भेजने की बात की जा रही है, कही गई है हमको जाने की कही गई है। तो हम लोग ने सभी विचार, डायरेक्टर रिम्स भी आज उपस्थित हुए और सरकार की तरफ से भी हमने जानकारी मांग ली थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको तमिलनाडु भेजने की कोई बात ऐसी नहीं है और ये पर्टिकुलरली किसी डॉक्टर का निजी राय हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु भेजने की कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और उस महिला का इलाज पूरे तरीके से पूरे सरकारी खर्च पे और पूरे मेडिकल टीम कंस्ट्रक्ट करके किया जा रहा है, डायरेक्टर ने सभी पूरी जानकारी दी है और सभी बातों को सुनने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हाँ ये बात सही है और कि उसको पूरे तरीके से पूरे तौर पर उसका ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट उसको अच्छे तरीके से होना चाहिए और सभी ब्लैक फंगस, वो महिला नहीं और अन्य जितने भी ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं रिम्स में, उनको सही ढंग से इलाज हो, इसका रिम्स ख्याल रखे
और सरकार की जो पॉलिसी है ब्लैक फंगस को कैसे लड़ा जा रहा है उस पर उसकी जानकारी दी जाए। हम अगले तारीख को शपथ पत्र के माध्यम से देंगे सर अगला इस मामला का मात्र। और दूसरा माननीय मुख्य न्यायाधीश का यही कहना है कि हर व्यक्ति को एयरलिफ्ट करके बाहर नहीं ले जा सकता है। हमको अपने संसाधन में इतनी तैयारी जरूर कर लेनी है कि हम अपने सभी मरीज का जो जितना शक्ति हो यथाशक्ति हो जितना यथाउचित इलाज हो सके वो हम करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिम्स में इलाजरत उषा देवी के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से यह पूछा कि हमारे राज्य की जनता क्या जगह जमीन बेचकर अपना इलाज कराएगी, क्योंकि कुछ दिन पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव का एक बयान आया था कि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसी मामले पर मौखिक टिप्पणी करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने रिम्स के निदेशक से यह पूछा कि क्या आप यह शपथ पत्र के माध्यम से बता सकते हैं कि रिम्स में इलाजरत ब्लैक फंगस के रोगी बाहर से अपना दवाई नहीं खरीद रहे हैं। रिम्स के निदेशक के द्वारा शपथ पत्र दायर करने में असमर्थता जताई।